जानेंगे बहुत ही बढ़िया है और उस ट्रिक को जाने के बाद और जो तरीका है करने का जो सही तरीका है एग्जैक्टली जो सही तरीका है जो आपको पता नहीं है वो बताऊंगा और कैसे कर सकते हैं अगर आप लाइव जाएं कभी भी करें कंपटीशन में पार्टिसिपेट उन सब के बारे में आज पूरी वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन रह गया, बोले क्या रह गया, बोले ये रह गया कि सब्सक्राइब नहीं किया होगा आपने, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो और सब्सक्राइब करने के बेल आइकन को प्रेस कर लो, इससे क्या होगा ना आपको हमारी वीडियो जल्दी मिल जाएगी और कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट करिए, मैं आपको 100% रिप्लाई करूंगा उसका आंसर भी दूंगा। व्हाट्सएप नंबर आपको बता देता हूं 9690323358 या आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और मेरे चैनल के होम पेज में मिल जाएगा जहां पर अबाउट सेक्शन में। तो चलिए आप देखते हैं क्या है कि अपना पोजीशन क्या होना चाहिए, ठीक है। तो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ आवर हैंड, हमें कहां पर अपने हाथ रखने चाहिए। तो इस तरीके का जो आपको बता रहा हूं ये सही तरीका है जो आप करना चाहिए, क्योंकि आपको बताऊं कि जब भी आप मयूरासन करें तो उसमें क्या होता है ना ट्विस्टेड पोज है, यानी कि आप क्या करते हैं एकदम सीधे बनाते हैं, पर क्या होता है कोई किसी का पैर ऊपर हो जाता है और किसी की सर नीचे हो जाता है, तो वो पोज बंद नहीं है। अगर बनाना ही आपको पैर ऊपर रखना है तो अपनी जो आपकी बॉडी का पोस्चर है अपने सर को तो एकदम बेहतर रखना है, वरना आपकी जो बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी चेक होता है टीचर कैसे करेगा, वो देखेगा कि आपकी ऊपर की कितनी जा रही है ना, वो आप जब ऊपर अपने पैर उठा देते हैं पर आपकी बॉडी नीचे ना जाए, यानी कि सी स्टॉल में बनाइएगा उसको ऐसे और ऐसे, ठीक है, ये मेरी पोजिशन है और ऐसे आना चाहिए, ठीक है। ये करेंगे तो प्लस आपको नंबर मिलेंगे वो भी बोनस तरीके से, ठीक है। तो इसे ध्यान रखिए, अब मैं आपको दिखाता हूँ पहले फिर उसके बाद आपको दिखाना नहीं आपको बताऊंगा ट्रिक। तो दोस्तों एक और बात बता दूं आपको, नोट कर लेना कि जो मैं इस तरीके से अगर आप करते हैं ना कॉम्पिटिशन में तो आपके ना एडवांस जो पोज होते हैं हर एक आसन के अच्छे लगते हैं, तो इसे जल्दी ट्राई करिए, ठीक है, इसे करना चाहिए, वरना तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक। अब मैं आपको जो पोजिशन दिखा रहा हूँ वो देखते रहिए, याद रखा होगा कि मैंने जब किया तो मैंने आपको क्या बताया था पहले कि अगर मैं आगे को अपना बैलेंस करता हूँ तो पीछे अपना पहले जाता हूँ, पर मैं क्या करता हूँ गलती नहीं करता हूँ नीचे इतने जिम पे अपना सर टच कर देता हूँ, ये गलती आप भी नहीं करेगा ताकि आपके नंबर ना कटे, ठीक है। तो नंबर वन ट्रिक आपको मैंने ये बता दी। अब नंबर टू ट्रिक क्या होती है, अगर आपका बैलेंस ही नहीं होता, बेसिकली आपका बैलेंसिंग ही नहीं हो रहा तो आप करेंगे क्या, तो देखते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख लीजिए, अब मैं आपको हाथों का व्यू दिखाता हूँ किस तरीके से आप बैलेंस करेंगे, ठीक है। अपने हाथ क्या इतना आप रखेंगे, ठीक है, गैप, फिर उसके बाद अपने टमी के नीचे, ठीक है, टमी जो भी आपका वहां पर लोड देना है और गहरी सांस ले लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से करना है। तो दोस्तों मैं दूसरी ट्रिक में आपको हाथों की पोजीशन बता दी, ठीक है। अब आप हाथों की पोजीशन आपको जान ली, अब आपका सवाल होगा कि बैलेंस कितनी देर तक कर पाएंगे। हाँ, अब मैं आपको बता दूं अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं ना तो आप अगर स्टार्टिंग में अगर 10 सेकंड या 5 सेकंड भी रुक पा रहे डे बाय डे इंप्रूव होगी आपकी, तो आप 10 से 15 सेकंड फिर 30 सेकंड और 1 मिनट तक आप पहुंच सकते हैं अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करें, ऐसा नहीं एक दिन किया छोड़ दिया, तो इस तरीके से मत करिएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे कई सारे स्टूडेंट करते हैं केवी के, मैंने देखा है रीजन में, आज किया छोड़ दिया, ऐसे नहीं करना, आपको ना रेगुलर प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। इसकी वीडियो रेगुलर बनाइए और टाइम मैच करिएगा अपना, वॉच से करिए चाहे फोन से स्टॉपवॉच लगा के, ठीक है। तो ये जो तरीका थर्ड मैंने ट्रिक बताई ये आप याद रखिएगा। तो हमने तीन ट्रिक सीख ली, पहली क्या थी कैसे करना है, दूसरी क्या थी कैसे आपकी पोजिशन होगी और किस तरीके का बैलेंस होगा आसन होगा, और तीसरी क्या कैसे इंप्रूव करना है। तो हमने तीन चीज देख ली। आप क्वेश्चन, आपका कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज कमेंट करिएगा, मैं आपको लाइव सेशन में जवाब दूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज एक लाइक और सब्सक्राइब, क्योंकि नए हो आप तो प्लीज सब्सक्राइब, एंड क्या करना है बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। जय हिंद।